नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर उठे बवाल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी नीट परीक्षा में कथित धांधली का मुद्दा संसद में उठाने की बात कही थी। आपको बता दें कि मामले में 13 जून को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है। सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नीट परीक्षा विवाद को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा, नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। नीट परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दाव पर लग गया है। एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है जिसमें पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार एनटीए के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूरे नीट घोटाले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग करती है। जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लाखों छात्र छात्राओं को मुआवजा देकर उनका साल बर्बाद होने से बचाया जाए। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। इसके अलावा असम के जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी नीट परीक्षा में कथित धांधली के मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नीट परीक्षा की जांच की मांग को लेकर बीजेपी सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। 24 लाख छात्रों को प्रभावित करने वाले इस घोटाले की हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। आम परिवारों को अलग अलग कोचिंग सेंटर्स और परीक्षा केंद्रों द्वारा किए गए वादों की वजह से 30 लाख के करीब की राशि चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा, कोई भी जांच निष्पक्ष और व्यापक नहीं हो सकती अगर उसे खुद एनटीए करे। नीट घोटाले पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी शपथ समारोह में भाग लेने और विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं। इंडिया गठबंधन इन छात्रों के मुद्दे को उठाएगा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। अब इंडिया गठबंधन के पास सरकार को घुटनों पर लाने और छात्रों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए पर्याप्त ताकत है। गौरव गोगोई ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को घोषित करने पर भी सवाल उठाया, कहा, ये एक रहस्य है कि नीट रिजल्ट 4 जून को क्यों घोषित किए गए। इससे केवल ये संकेत मिलता है कि उन्हें पता था कि एक तूफान आने वाला है और वे 4 जून को जब पूरा देश चुनाव परिणामों के बारे में बात कर रहा था नीट रिजल्ट घोषित कर किसी भी तरह की चर्चा से बचना चाहते थे। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नीट परीक्षा के संबंध में 24 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये मुद्दा लगभग 1500 छात्रों से संबंधित है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई है। एनटीए देश में 3 बड़ी परीक्षाएं नीट, जेई और सीयूईटी सफलतापूर्वक आयोजित करता है। अगर कोई दोषी पाया गया तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले गुरुवार 13 जून को नीट मामले में सुनवाई हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है। इन छात्रों को दो ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो वो अपने ग्रेस मार्क्स छोड़ दें और तब अपनी रैंक देखें, या फिर रीटेस्ट दें और जो नतीजा आएगा उसे स्वीकार लें। रीटेस्ट 23 जून को करवाने की जानकारी और नतीजे 30 जून को आएंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें मांग मोटा माटी एक ही है, इम्तिहान में व्यापक अनियमितताएं हुई हैं, ग्रेस मार्क्स देने में कथित विसंगतियां हैं, इस वजह से नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा करवाई जाए। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की वैकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालती सुनवाई में रोज सवाल उठाए जा रहे हैं और जुड़ रहे हैं नए नए तथ्य, जैसे ये तथ्य कि इम्तिहान कंडक्ट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का रजिस्ट्रेशन बंद होने के बावजूद एक दिन के लिए फिर रजिस्ट्रेशन खोला था। फिर कुछ सेंटर्स को लेकर भी संशय है कि वहां गड़बड़ हुई है, पेपर लीक होने के भी आरोप लगे हैं। 12 जून को इन सवालों में से कुछ पर एनटीए ने भी जवाब दिया। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जाने से पहले एक जरूरी सूचना, आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर देखना ना भूलें। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।